जेडीयू नेता को अर्धनग्न कर बदमाशों ने पीटा, जमीन विवाद में एक घटना को दिया अंजाम। टीएमबीयू के एक गार्ड भी थे मारपीट करने में शामिल। भागलपुर में जदयू के महानगर अध्यक्ष राजदीप कुमार राजा को बदमाशों ने बीच सड़क पर अर्धनग्न कर जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अपराधी बीच सड़क पर राजदीप राजा की लात घूंसू और लाठी से जमकर पिटाई कर रहे हैं और बीच सड़क पर हो रही पिटाई के दौरान आम लोग मूक दर्शक बने हैं। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वती चौक के समीप का है। घटना की जानकारी मिलने के मौके पर दो थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस से जदयू नेता ने लिखी शिकायत कर बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि भागलपुर जदयू के महानगर अध्यक्ष के करीबी सूरज कुमार यादव एक प्लॉट पर काम करवा रहे थे, तभी धनंजय यादव, कन्हैया यादव और पलटू यादव 10-20 लोगों के साथ वहां पहुंचे और मजदूरों को पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मशीनों को फेंकना शुरू कर दिया और काम बंद करवा दिया। घटना की जानकारी मिलने पर जदयू के महानगर अध्यक्ष राजदीप कुमार राजा वहां पहुंचे। उसके बाद 10 से 20 लोगों ने बीच सड़क पर ही उनकी अर्धनग्न कर पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले को लेकर सूरज कुमार यादव ने बताया कि जब वो प्लॉट पर काम कर रहे थे, तभी चार लोग वहां पहुंचे और मजदूरों के साथ मारपीट की तथा मशीनों को फेंक दिया। जब जदयू नेता राजदीप कुमार राजा वहां पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस घटना में टीएमबीयू की एक गार्ड भी शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन। मेरा नाम रणवीर यादव है, मैं स्वर्गीय श्री कामेश्वर प्रसाद यादव का पौत्र हूँ। ये हम लोग का प्लॉट है, तो धनंजय यादव, कन्हा यादव, गौरव यादव और नरेंद्र यादव, ये चार भाई हम लोग के मतलब दादा के गुजरने के बाद हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दूसरे लोग को बोलते हैं कि नहीं ये लोग को मार देंगे। तो हम लोग के जो मित्र थे श्री राजा यादव, जो जदयू के महानगर अध्यक्ष हैं, वो हम लोग के यहाँ पे ज़मीन पे बैठने के लिए आए थे, उस दुकान में बैठे थे। हम दोनों यहाँ पे खड़े थे, उनसे बात कर रहे थे। वो चारों भाई उधर से आए और बिना कुछ सोचे समझे कहे उनको मारना शुरू कर दिया। उनको नग्न अवस्था में करके यहाँ से मारते मारते पर्वती चौक तक लेके गए और हमारे पास सारा उस चीज़ का साक्ष्य प्रूफ है। मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमें न्याय मिले। किस मकसद से आए थे वो लोग? जान से मारने के मकसद से आए थे। किस वजह से? आपसी दुश्मनी पले थे? नहीं, आपसी दुश्मनी नहीं थी, पर वो लोग हम लोग से मतलब हमेशा कुछ कटाक्ष खोजते रहते थे और हमारे दादा के मरने के बाद वो लोग हमसे मतलब जबरदस्ती कर रहे थे कि जमीन पर हथियार लेंगे। ये जमीन हथियाने के मकसद से ये वो लोग यहाँ पे आए थे। हुआ था कि मैं सूरज कुमार अपने प्लॉट पे कल से काम करवा रहे थे, पानी सुखवा रहे थे, तो कल दिन भर भी काम हुआ। उसके बाद शाम में लेबर चला गया। आज सवेरे जब लेबर आया 8 बजे पानी लगा के चला गया। 9:30 बजे धनंजय यादव, कन्हा यादव, पलटो यादव उर्फ नरेंद्र यादव, छोटू यादव उर्फ गौरव, ये चारों भाई अन्य 10 लोग के साथ, जिसमें कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी तिलका मांझी के जो गार्ड हैं वो भी आए थे। MBA डिपार्टमेंट में वो गार्ड हैं, वो भी आए थे, मतलब 10-12 गार्ड भी थे। वो लोग सब आके प्लॉट पे मेरे मशीन को खोल के फेंक दिए, मशीन लेके भी भाग गए, मशीन भी ले गए, लेबर को मारा भी। उसके बाद फिर बिल्डर आए, एक हमारे भाई हैं मोहन नगर अध्यक्ष राजकुमार यादव राजा भैया, वो आए थे, वो आके प्लॉट देखे। उसके बाद वो बोले कि इंस्पेक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं, बस बैठे हुए थे तब तक धनंजय यादव फिर से जितने लोग पहले थे उतने लोग फिर से तुरंत आए, आने के साथ मेरे दुकान में मारपीट करना शुरू कर दिए। उनको पूरा लहू लहान करके नंगा अवस्था में उनको घिंचते हुए पर्वती चौक पे लेके, वीडियो का प्रूफ भी है, चौक पे लेके गए। उसके बाद उधर से जब लौटे तो छोटू यादव धनंजय यादव को बोला कि सूरज यादव का भी घर जो खटाल है इसको पूरा खाली करवा देंगे। यही घटना हुई थी। फिर हम प्रशासन को खबर किए और उनको मारपीट के उधर से उधर भगा दिए। किस मकसद से? जान से मारने के मकसद से। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार। क्या